बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब हम कस्टमर एक्टिविटी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें प्रीवियस देख लें। मेन एक्टिविटी मैंने लास्ट टाइम आपसे जब लॉगिन डिस्कस किया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे दो किस्म के यूज़र्स हुए हैं, एक एडमिन है और दूसरा कस्टमर है। अगर यूज़र आईडी और पासवर्ड एडमिन एडमिन हम रखते हैं तो वो जो है वो एडमिन पैनल में चला जाएगा, ठीक है। अगर नेविगेशन एक्टिविटी जो है वो एडमिन पेज पर हो जाएगी। अगर वो जो है यूज़र हमने कोई रजिस्टर किया हुआ है तो और साइन इन होने के बाद हम जो है वो आईडी देते हैं और आईडी ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाने लगूँ, ये देखें, ये यूज़र आईडी जो हमने एंटर किया टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट में, और ये जो है एसक्यूएल आईडी से जो आया है इसको मैच किया कि ये इक्वल है, और पासवर्ड जो हमने ऐड किया और जो एसक्यूएल एफाइड बेस से आया वो बराबर है, यानी कि आईडी भी ठीक है और पासवर्ड भी ठीक है। तो अब हमने कस्टमर के पेज पे जाना है। आपको पता है जब आप कस्टमर के पेज पे एक पेज से दूसरी यानी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाते हैं तो आप क्या करते हैं, इंटेंट को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इंटेंट को इस्तेमाल करते हैं। और फिर आप अपनी एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी जिसमें जाना उसका नाम बताते हैं, ठीक है। तो आप एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जा सकते हैं, लेकिन हमने इसके साथ कुछ और डाटा भी लेके जाना है। जैसे हमने यूज़र आईडी कौन सा है, उसका एरिया क्या है, सिटी क्या है, एड्रेस क्या है, ये भी हमने एक पेज से दूसरी एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में लेके जाना है, ठीक है। तो हमने ये उस इंटेंट में एक्स्ट्रा चीज़ों को ऐड किया, देन हमने नेविगेशन जब की, स्टार्ट एक्टिविटी की, तो हम कस्टमर पेज पे अब जाएंगे, ठीक है। जब हम कस्टमर पेज में गए तो हमारे पास याद रखें ये चार चीज़ें हमें पिछले पेज से आ रही थी, ठीक है। अब हम कस्टमर एक्टिविटी में आ गए। ये कस्टमर का मेन पैनल है। दरअसल यहाँ पे हमने सबसे पहले जो है वो आप देख सकते हैं कि एक टेक्स्ट व्यू है, उसका बैक कलर मैंने ऑरेंज रखा हुआ है और टेक्स्ट जो है वो ग्रीन में है, ठीक है, लाइम ग्रीन जो है उसमें है, ठीक है। इसमें कस्टमर का उस कस्टमर का आईडी आएगा जो हम पीछे से लेके आए हैं। देन जो है लेआउट है, लीनियर लेआउट है, लीनियर लेआउट के अंदर हमने एडिट टेक्स्ट भी ये ऐड किया हुआ है और बटन भी डाले हुए हैं दो, एक सर्च का बटन डाला हुआ है और एक ये सर्च का बटन था ऊपर वाला, और नीचे वाला जो है वो है किसका, रिफ्रेश का, आर मीन रिफ्रेश, यानी कि जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप नए सिरे से सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले यूज़र जो है वो उसके पास रेस्टोरेंट आ रहे होंगे सारे उस एरिया के जहाँ पे वो रहता है, वहाँ से वो सिलेक्ट कर सकता है, या अगर बहुत ज़्यादा है तो वो एक एक करके सर्च करना चाहता है तो उस रेस्टोरेंट का आईडी लिखेगा तो वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आईडी नहीं, टाइटल आएगा, मेरे यहाँ रेस्टोरेंट टाइटल, रेस्टोरेंट का नाम लिखेगा तो उस नाम से वो सर्च कर सकता है। अब वो उसने एक रेस्टोरेंट को देखा और उसे पसंद नहीं आया रेस्टोरेंट, तो वो रिफ्रेश के बटन पर क्लिक करेगा, ये जो छोटा सा बटन बना हुआ है ये रिफ्रेश का बटन है रेड कलर का, इस पर क्लिक करेगा तो हमारा डाटा जो है वो रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है वो सारा डाटा दोबारा से इसमें आ जाएगा और फिर वो उसे कर लेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे दो बटन्स बने हुए हैं, एक लिस्ट व्यू है। अब इसमें देखिए हम क्या करते हैं, ये कस्टमर की एक्टिविटी है। सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट व्यू लिया का ऑब्जेक्ट बनाया, एक एडिट टेक्स्ट बनाया, बटन दो बटन्स बनाए और एक लिस्ट व्यू बनाई, और फिर ये जो है लिस्ट बनाई रेस्टोरेंट की लिस्ट, ठीक है। देन हमने डेटाबेस बनाई, डेटाबेस का टेबल कौन सा हमारा रेस्टोरेंट्स का टेबल है तो वो हमने बनाया। उसके बाद ऑन क्रिएट मेथड में आते हैं। ऑन क्रिएट मेथड में ये तो पहले आपको पता है पेरेंट का फंक्शन है, ये हमने एज इट इज कॉल करना था। उसके बाद लेआउट बताई कि इसके साथ ये वाली लेआउट अटैच है एक्टिविटी कस्टमर की,
देन यूजर आईडी और यूजर आईडी हमने लिए। अब यहाँ पे हम क्या करें, यहाँ पे हमने जो पीछे से डाटा आया है उसको हम लेके इस यूजर आईडी में डाल रहे हैं, यानी कि जब वो एक एक्टिविटी से लॉगिन एक्टिविटी से जब वो इस पेज की एक्टिविटी में आया तो यहाँ से हमने उसका आईडी लेके इस वेरिएबल में डाल दिया, एरिया लेके इस वेरिएबल एरिया में डाल दिया, ठीक है। देन हमने क्या किया, वही टेक्स्ट व्यू जो हमारे ये जो है फ्रंट एंड के टेक्स्ट व्यू है उसको लेके हमने कस्टमर आईडी में डाल दिया और एडिट टेक्स्ट उसके साथ इनिशियल किया या रजिस्टर आप कह लें किया। इसी तरह से लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज किया या रजिस्टर किया, बटन को सर्च के साथ रजिस्टर किया, रिफ्रेश को रजिस्टर किया। देन हमने टेबल के बारे में बताया कि हम लोग इस एप्लीकेशन इस पेज में एक्टिविटी में ये वाला टेबल इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बहुत से प्रोजेक्ट्स में वेब एप्लीकेशंस में एक्टिविटीज को पेज कहा जाता है, तो मैं फ्लुएंटली पेज का लफ्ज़ यूज करूँ, पेज और एक्टिविटी आपके यहाँ पर मोबाइल एप्लीकेशन में एक ही चीज को कहते हैं, ठीक है। तो अच्छा जी, उसके बाद हमने टेबल में बताया हमारा ये वाला टेबल होगा और रेस्टोरेंट की जो हमने अरे बनाई थी लिस्ट बनाई थी वो हमने उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवा दिया, ठीक है। देन हमने टेक्स्ट यूजर आईडी को सेट किया। ये सेट टेक्स्ट कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमने कोई वैल्यू देनी होती है, तो हमने यूजर आईडी को वैल्यू दे दी txt यूजर आईडी डॉट सेट टेक्स्ट के जरिए, ठीक है, उसमें हमने पास कर दिया यूजर आईडी, तो इस टेक्स्ट व्यू के अंदर जो है वो वैल्यू चली जाएगी। देन हमारे जो है वो एक फंक्शन है शो रेस्टोरेंट बाय एरिया, शुरू में जो एरिया होगा यूजर का उसके मुताबिक सारे रेस्टोरेंट जो है वो शो हो जाएंगे। इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे कॉल किया है, इसकी डेफिनेशन मैं बाद में बताऊंगा, उस पर बात करते हैं, पहले हम इस ऑन क्रिएट मेथड को पूरा एक दफा देख लेते हैं। आगे सर्च का बटन है, सर्च के बटन में जो है हम क्या करें, सर्च के बटन में एडिट टेक्स्ट सर्च जो है उसकी वैल्यू को लेके उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया है और वो स्ट्रिंग में रेस्टोरेंट टाइटल वेरिएबल में हमने डाल दिया। ये सर्च बाय टाइटल है, यानी कि रेस्टोरेंट का जो टाइटल होगा नाम होगा उसके लिहाज से ये सर्च करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी मैंने एक फंक्शन कॉल किया, यहाँ पे भी मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ और ऊपर भी जो है वो मैं फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ। आशीष बेटा उसको उधर ले जाओ, फिर इधर आ जाती बाद में। अच्छा जी, उसके बाद जो है एक अगेन जो है रिफ्रेश का बटन है, जब रिफ्रेश करेंगे तो तमाम रेस्टोरेंट एरिया के लिहाज से अगेन सर्च शो हो जाएंगे, ठीक है। इसमें और सर्च में क्या फर्क है, सर्च जब आप सर्च के ऊपर करेंगे ना शो रेस्टोरेंट बाय टाइटल, तब वो टाइटल के लिए टाइटल एक मखसूस जो है रेस्टोरेंट उसकी वैल्यू को शो करेगा, जबकि शो रेस्टोरेंट बाय एरिया तो एरिया में जितने भी रेस्टोरेंट्स होंगे उन सारों को वो शो करवा देगा। ये फंक्शन में बेसिक डिफरेंस है दोनों फंक्शन में। उसके बाद ये लिस्ट व्यू का जो है वो इवेंट है ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टर, यानी कि आपने एक रेस्टोरेंट सिलेक्ट कर लिया, उस रेस्टोरेंट पे काफ़ी देर आप सिलेक्ट क्लिक कर ही रखेंगे तो वो उस रेस्टोरेंट वो सिलेक्ट हो जाएगा, उसके आगे काम होगा। आगे क्या काम होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। लेट सपोज आपकी एक लिस्ट में डेट वो आगे एक रेस्टोरेंट, ये आपकी लिस्ट है, ठीक है, इसमें आपने एक रेस्टोरेंट देखा, उस पर आपने कुछ देर सेकंड के लिए अपनी फिंगर थंब रखा और उसे सिलेक्ट कर लिया। जब वो सिलेक्ट हो जाएगा तो क्या काम होगा, वो यहाँ पे काम होगा, क्या करेंगे, सबसे पहले उस रेस्टोरेंट का आईडी ले लेंगे, यानी कि रेस्टोरेंट कौन सा है, उस रेस्टोरेंट के लिए उसका ऑब्जेक्ट बना लिया आपने, फिर उसका टाइटल ले लिया, उस रेस्टोरेंट का टाइटल क्या है उसको वेरिएबल आर टाइटल में डाल दिया और उसका आईडी जो है वो आर आईडी में डाल दिया, ठीक है। फाइनल मैंने बताया था इसलिए यहाँ पे यूज किया है लोकल वेरिएबल, जब भी आपने लोकल वेरिएबल इस्तेमाल करना हो तो तब आप फाइनल का कीवर्ड यूज करते हैं।
लोकल स्कोप पे आपने लोकल वेरिएबल को इस्तेमाल करना है। देन जो है वो आपने एक इंटेंट ऑब्जेक्ट बनाया। अब इसका काम क्या है, जब आप इधर से क्लिक करेंगे तो आपका वो उस रेस्टोरेंट के नेक्स्ट एक्टिविटी में चला जाएगा। उस रेस्टोरेंट के अंदर जितनी भी डील्स होंगी वो उसने दिखानी है, ठीक है, हमारी एप्लीकेशन ने। तो अभी ये सिर्फ जो है ये एक रेस्टोरेंट आपने सिलेक्ट किया, उसके बाद वो नेक्स्ट पेज में नेक्स्ट एक्टिविटी में डाटा लेके जाएगा, ठीक है। वो क्या डाटा लेके जाएगा, यूजर आईडी कौन सा है और यूजर ने कौन सा रेस्टोरेंट आईडी सिलेक्ट किया, उसका टाइटल क्या था, ठीक है। ये तीन चीजें जो है वो नेक्स्ट पेज में जाएंगी, जिसका नाम होगा ऑल कस्टमर डील्स एक्टिविटी, ठीक है। एक रेस्टोरेंट के अंदर तमाम डील्स जो है वो यहाँ पर शो हो जाएंगी, ठीक है, और तमाम डील्स हम इस पेज में शो करवाएंगे और हम उस पेज में नेविगेट कर जाएंगे, ठीक है। अभी हमने इस पेज में सिर्फ रेस्टोरेंट को सिलेक्ट किया है। जब आप नेक्स्ट पेज में यानी कि कस्टमर ऑल डील्स पे क्लिक करेंगे एक्टिविटी में, तो उस रेस्टोरेंट के अंदर तमाम डील्स जो है वो शो हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमारा ऑन क्रिएट मेथड कंप्लीट हो गया। अब नीचे जो है वो हमारे दो फंक्शंस हैं, उनको देख लेते हैं जो हमने ऊपर सिर्फ कॉल किए हुए, यहाँ पे नीचे डिफाइन किए हुए, तो बारी बारी देख लेते हैं। इन फंक्शंस का बहुत ज्यादा अहम रोल है। सबसे पहले हमने एक क्यूरी लगाई है, ठीक है। क्यूरी क्या है कि ये हमारा डेटाबेस का टेबल है, इसका नाम रेस्टोरेंट है, और उस रेस्टोरेंट में जाओ एरिया जो है जहाँ पर ये वाला हो, यानी कि उस कस्टमर का जो एरिया है उस कस्टमर के एरिए के तमाम रेस्टोरेंट्स मुझे दिखाओ, ठीक है। और दिखाने के बाद जो है जो डाटा आएगा उस डाटा को ऑब्जेक्ट में डाल के ऑब्जेक्ट में रखे लिस्ट में डालते जाओ, ठीक है। ये रेस्टोरेंट की लिस्ट बनाई थी ना हमने, ऊपर इनिशियलाइज की थी, उसके अंदर वो लिस्ट में ऐड करते जाओ। हमने उस लिस्ट के अंदर ऐड कर दिया, अब हमने उस लिस्ट को शो करवाना है। ये अरे लिस्ट है, अरे में डाला है हमने, अरे को शो करवाने के लिए हमने लिस्ट में डालना है। अरे लिस्ट और है और लिस्ट और है, अरे लिस्ट में हमने अरे में डाटा डाला है और उसके बाद हमने शो करवाने के लिए लिस्ट व्यू में डालना है। लिस्ट व्यू में हम ये एडॉप्टर के जरिए डालेंगे, पहले हमने अरे में डाला अरे लिस्ट में, उसके बाद हमने उसको एडॉप्टर के जरिए लिस्ट व्यू में पुट कर दिया। तो अब यहाँ पे जो है वो हमारा डाटा जो है वो सारे का सारा शो हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या था, इसमें सिर्फ क्यूरी का फर्क है। हमने इसमें क्या किया, एक रेस्टोरेंट लिया, रेस्टोरेंट में एरिया जो उस कस्टमर का है उस एरिया में तमाम रेस्टोरेंट्स को दिखा दिया और उसको हमने लिस्ट व्यू में शो करवा दिया। देन इसमें क्या हो रहा है, ऊपर वाले फंक्शन में इसके बाद ये नीचे वाला फंक्शन है, इसको भी देख लेते हैं। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, इस फंक्शन में शो रेस्टोरेंट बाय टाइटल। अब इसमें हमने एक रेस्टोरेंट जो हमने सेलेक्ट किया था उस टाइटल को हमने सेलेक्ट किया, तो आखिर आवाजें ना मारो, ठीक है, मारो ये नहीं भाभी, यार मैं अभी रिकॉर्डिंग करूं, दे दो। अच्छा जी, तो इसमें क्या होगा कि हम उस टाइटल के लिहाज से क्यूरी लगाएंगे, यानी कि रेस्टोरेंट के वाले टेबल में जाओ, उसके अंदर जो ये वाला टाइटल है उस टाइटल के रेस्टोरेंट की डिटेल्स को मुझे दिखाओ, ठीक है। उस डिटेल वो जो डिटेल आएंगी उस डिटेल को आपने अरे लिस्ट में डालने और अरे लिस्ट को आपने लिस्ट व्यू के जरिए आपने शो करवा देना है लिस्ट व्यू रिजल्ट में, ठीक है। यानी कि एक हम हमारी होगा क्या कि हम यहाँ पे एक जो भी रेस्टोरेंट आ रहे होंगे सारे उनमें से एक को सिलेक्ट करने के लिए हम उस पर एंटर करेंगे एडिट टेक्स्ट में और सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे वो एक रेस्टोरेंट आ जाएगा, ठीक है, एक रेस्टोरेंट आ जाएगा। तो हमारा उस रेस्टोरेंट पे हम डबल क्लिक किए रखेंगे तो हमारा वो जो है लिस्ट व्यू का ओन आइटम लॉन्ग लिस्टर जो है वो ओपन हो जाएगा। सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टर, यानी कि
थोड़ी देर आपने लिस्ट व्यू को क्लिक किए हुए रखना है, यानी यहाँ पे हम रेस्टोरेंट को क्लिक किए हुए रखेंगे तो वो हमारे रेस्टोरेंट का टाइटल और आईडी हम वहाँ से फेच कर लेंगे, यानी ले लेंगे। और फिर हमने नेक्स्ट पेज में ये जो नेजिस का नाम है कस्टमर और डील्स, ठीक है, उस एक रेस्टोरेंट के अंदर जितनी डील्स होगी वो इस कस्टमर में हम शो करवाएंगे, ठीक है। और उसके साथ हम ये यूजर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी और टाइटल हम लेके जा रहे हैं साथ। अब चलते हैं इस पेज के ऊपर। इधर हम क्या करें, इधर हम देख लेते हैं, यू हैव टू वेट। अच्छा, ये भी वैसा ही है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है कि पहले हम एक एरिया में गए थे और एक एरिया में तमाम रेस्टोरेंट्स को देख रहे थे। अब हम उस एक रेस्टोरेंट को हमने सिलेक्ट किया था, अब उस एक रेस्टोरेंट के अंदर डील्स हैं बहुत ज्यादा, 5-6 या उस रेस्टोरेंट में जितनी भी डील्स हैं वो सारी डील यहाँ पे शो हो रही होंगी, ठीक है, क्योंकि हमने रेस्टोरेंट आईडी और रेस्टोरेंट टाइटल हमें पता है, ठीक है, वो हम शो करवा देंगे और उन डील में से एक डील हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके अगेंस्ट हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करें, इसको अगेन देख लेते हैं। सबसे पहले वही बात, टेक्स्ट व्यू लिया, टीएक्सटी यूजर आईडी ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट व्यू का, एडिटेक्स का ऑब्जेक्ट हमने लिया, एडिटेक्स सर्च का, फिर बटन दो लिए सर्च के और रिफ्रेश के, लिस्ट व्यू ली, लिस्ट व्यू यूजर, लिस्ट ली डील्स की, ठीक है। अब हम डील्स की बात करेंगे, एक रेस्टोरेंट के अंदर बहुत सी डील्स होंगी, ठीक है। फिर हमने डेटाबेस में गए, डेटाबेस का इंस्टेंस बनाया, डेटाबेस का टेबल जो है वो हमने देखा कौन सा होगा, डील्स का टेबल होगा। देन हमने ऑन क्रिएट मेथड के अंदर गए, पहली पिछली एक्टिविटी से जो डाटा आ रहा था यूजर आईडी, रेस्टोरेंट आईडी और रेस्टोरेंट का टाइटल, वो लेके हमने इन वेरिएबल्स में डाल दिया वन बाय वन, ठीक हो गई बात। देन हमने क्या किया, टेक्स्ट व्यू कस्टमर आईडी जो था हमारे फ्रंट एंड का, उससे उसकी उससे लेके हमने अटैच किया अपने ऑब्जेक्ट टीएक्सटी यूजर आईडी के साथ। देखें, क्लास का जो इंस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है, तो ये हमारी क्लास है टेक्स्ट व्यू की, उसका ऑब्जेक्ट है टेक्स्ट टीएक्सटी यूजर आईडी, ठीक है, उसको मैंने इससे इनिशियलाइज करवा दिया। इसी तरह से एडिटेक्स को इनिशियलाइज करवाया, एडिटेक्स सर्च से लिस्ट व्यू को इनिशियलाइज करवाया, बटन सर्च को इनिशियलाइज करवाया, रिफ्रेश को इनिशियलाइज करवाया, हमारे फ्रंट एंड के जो बटन था सर्च का बटन, रिफ्रेश का बटन उसके साथ, ठीक है। फिर टेबल बताया, डील्स का टेबल होगा और उसकी लिस्ट बनाई, अरे लिस्ट, ठीक है, डील्स। फिर हमने यूजर आईडी को हमने वैल्यू सेट करवाई, एक यूजर आई जो हमारा यूजर का आईडी होगा हमने वेरिएबल में पास किया और सेट वैल्यू सेट टेक्स्ट कर दिया, यानी कि उस टेक्स्ट व्यू की वैल्यू को सेट कर दिया। फिर हमने दो फंक्शंस को कॉल किया, शो डील्स बाय आईडी। इससे क्या मुराद है, हम इसमें रेस्टोरेंट का आईडी देंगे, उस रेस्टोरेंट का आईडी के अंदर तमाम डील्स को हमें दिखा दो, ठीक है। उसके बाद जो है बटन सर्च का है, उसके अंदर शो डील्स बाय टाइटल, इसमें जो है वो ये भी फंक्शन हमने कॉल किया, इसमें जो एक डील होगी उसको हम एक्सेस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शन और इस फंक्शन में बेसिक डिफरेंस ये है कि इसमें हम लोग टेक्स्ट व्यू एडिटेक्स्ट में हम वो डील का नाम लिखेंगे, टाइटल लिखेंगे, तो उस डील के लिहाज से वो सारा डाटा हमारा सर्च हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही रिफ्रेश का बटन है, जब बटन को रिफ्रेश करेंगे तो वो जो है तमाम फंक्शन पुराने वाला कॉल होगा, शो डील्स बाय आईडी, यानी कि उस रेस्टोरेंट आईडी के अंदर जितनी डील्स है वो शो करवा देगा। ये सिंपल से काम करो, ठीक है। पहले मैं इन फंक्शंस को डिफाइन कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये फिर शो आइटम नॉन क्लिक लिस्ट में बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इनके ऊपर आते हैं, फंक्शंस के ऊपर, ये नीचे बताए हुए हैं।
ये देखें शो डील्स बाय रेस्टोरेंट आईडी, इस ये मैंने एक फंक्शन में आया जिसकी रिटर्न टाइप वॉइड है और ये प्राइवेट है। प्राइवेट का मतलब है इस क्लास से बाहर एक्सेसिबल नहीं है। इसको एक पैरामीटर दे रहा हूँ जिसका नाम है रेस्टोरेंट आईडी, ठीक है। फिर मैंने इसमें क्यूरी क्या लगाई, क्यूरी क्या चीज होती है, जब आपने अपनी डेटाबेस के साथ कोई कम्युनिकेशन करनी है तो कम्युनिकेशन करने के लिए यानी कि मुझे डेटा चाहिए, मुझे ये वाला डेटा चाहिए, तो ये काम करने के लिए हम जो इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं उसको क्यूरी कहते हैं, ठीक होगी बात। रेफरेंस, सबसे पहले मैंने डेटाबेस का रेफरेंस बताया कि मेरी डेटाबेस ये है, उसके अंदर डील्स का टेबल है। देन मैंने बताया उस डील में जाओ, उस डील के वो जो है डील के टेबल के अंदर जितने भी डील्स हैं जिनका आईडी ये है रेस्टोरेंट आईडी, ठीक है। एक डील बहुत सी डील्स होंगी जो कि एक ही रेस्टोरेंट आईडी के साथ एसोसिएट होंगी, ठीक है। तो वो हमारी ये क्यूरी है, यानी कि सिलेक्ट ऑल डाटा फ्रॉम डील्स वेयर रेस्टोरेंट आईडी इज दिस, यानी कि उस रेस्टोरेंट आईडी की तमाम डील्स मुझे ला के दिखा दो, मखसूस रेस्टोरेंट की तमाम डील्स ला के मुझे दिखा दो। वो लाएगा, उसको हम डील्स के ऑब्जेक्ट में डालते जाएंगे बारी बारी और उसके जरिए हम लिस्ट में डालते जाएंगे। ये लिस्ट है, लिस्ट में डालते गए और उस लिस्ट को बाद में हमने शो करवाना है। शो करवाने के लिए हमने उसे डाटा एडोप्टर डील्स एडोप्टर यूज किया, डील एडोप्टर के जरिए हमने उसे लिस्ट व्यू में शो करवा दिया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये चीज समझ आ गई होगी। अब जो है यही काम हम करें, यहाँ पे क्या है एक रेस्टोरेंट की तमाम डील्स को हमने शो करवाना। अब हमने उस रेस्टोरेंट के अंदर से यूजर ने सिर्फ एक डील सिलेक्ट कर ली, चिकन कोरमा जो है ये सिलेक्ट कर लिया, ये टाइटल चिकन कोरमा मिसाल के तौर पर आ गई। अब उसकी सारी इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे शो करवाएंगे, रेफरेंस वही है, टेबल का नाम डील्स है, उसके अंदर टाइटल देखो टाइटल क्या दिया है, जो हमने दिया मिसाल के तौर पे चिकन अभी मैंने बताया आपको। देन वो हमें डाटा दिखा देगा, ये क्यूरी लगाई है यहाँ पे, ये जो दो लाइनें है ना ये क्यूरी है, ठीक है। उसके बाद जो है सबसे पहले प्रीवियस अरे लिस्ट के अंदर जो चीजें उसको खाली किया, फिर उसके अंदर जो है जो भी डाटा आता जाएगा फायरबेस से उसको लेके आपने अरे लिस्ट के अंदर डालते जा रहे, अरे लिस्ट के अंदर डाल दिया, अरे लिस्ट के अंदर डालने के बाद आपने उसको लिस्ट व्यू में शो करवा दिया। देन जो है हमने उसको लिस्ट के अंदर डाल के शो करवा दिया, ठीक है। अब वो एक डील जो है वो शो हो गई है, उसके बाद अब उस कस्टमर ने ऑर्डर करना है। कस्टमर क्या करेगा, वो जो एक डील उसको शो हो गई, जैसे चिकन टिक्का है या चिकन कोरमा मैंने कहा था चिकन कोरमा है, उसके ऊपर यूजर ने थोड़ी देर के लिए अपनी फिंगर रखनी है, लिस्ट व्यू में आ रहा होगा, तो यूजर अपना थंब उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रखेगा तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। जब वो सिलेक्ट होगी तब क्या काम होगा, तब ये वाला इवेंट कॉल होगा, उस इवेंट ये वाला इवेंट कॉल होगा। इस इवेंट का क्या नाम है, लिस्ट व्यू, जो हमारी लिस्ट है सेट ऑन आइटम लॉन्ग क्लिक लिस्टनर, उसके ऊपर क्लिक कर ही रखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम उस डील का आईडी लेंगे, उस डील की का टाइटल लेके रेस्टोरेंट आईडी लेंगे, कैटेगरी लेंगे, प्राइस लेंगे और उसका इमेज इमेज का जो पाथ होगा वो भी लेंगे हम, और लेने के बाद हम उस सारी चीज़ों को प्राइस को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, अब हमने इंटेंट ऑब्जेक्ट आपको मैंने बताया है, जब आपने एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाना था तब आप इंटेंट यूज करते हैं और साथ हम यूजर आईडी
ये रेस्टोरेंट यूजर आईडी, रेस्टोरेंट नेम, टाइटल, कैटेगरी, प्राइस, इमेज, ये सारी चीज़ें हम उसके साथ लेंगे और उन सारी चीज़ों को हम नेविगेट कर देंगे नेक्स्ट पेज में, कस्टमर ऑर्डर प्लेसमेंट एक्टिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे आप नेक्स्ट हम उस कस्टमर का ऑर्डर प्लेस करेंगे। ठीक है, और हम नीचे शो भी करवा देंगे कि कस्टमर इस पेज पे जा रहा है, टाइटल उसका ये है, प्राइस उसने ये है, प्राइस उसकी ये है जो उसने ऑर्डर सेलेक्ट किया है, उसकी डिटेल हम उसको बता रहे हैं। यहाँ पे हम जब स्टार्ट एक्टिविटी, यहाँ पे वो जाएगा,